बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि FDE के अंदर जो EST की टीचिंग जॉब्स आई हुई थी उनका जो है टेस्ट पैटर्न क्या है और उस टेस्ट सिलेबस जो है वो क्या है, मतलब जो MCQ टाइप टेस्ट होगा वो किन किन सब्जेक्ट्स में से लिया जाएगा और कितने परसेंट के सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा। और इसके अलावा एट द एंड मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट भी बताऊंगा जिससे जो है वो PPSC, FPSC और NTS और डिफरेंट जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो जो है वो MCQs पिक करती हैं, और वो ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर सारी जो है वो सब्जेक्ट्स उनको कवर किया गया है। तो यकीनन वो वेबसाइट आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ इन जॉब्स का। ये जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो है सरकारी स्कूलों के अंदर टीचिंग जॉब्स आई हुई हैं। तो टोटल जॉब्स 337 थी, मेल के लिए 262 और फीमेल के लिए 75, और क्वालिफिकेशन इसके लिए जो मास्टर और BS इन रेलिवेंट सब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड था। तो इसमें BEd या MEd वगैरह कोई इसमें ज़रूरत नहीं थी। तो इसके अलावा जो है वो इसमें ये था कि आपने अप्लाई करने था, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना था और जो है वो आपने चलान फॉर्म जमा कराना था बैंक के अंदर ATM के थ्रू। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 सितंबर है। अभी भी चांस है, आज 18 तारीख है और आप जो है वो अभी भी जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मंडे वाले दिन भी अगर आप जो है वो फ़ीस जमा करा दें और रजिस्ट्रेशन कर दें तो आपके लिए चांस है कि आप इसमें जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको जो है वो टेस्ट सिलेबस बताऊंगा और उसके बाद जो है वो डिफरेंट MCQs सैम्पल के तौर पर आपको शो करूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरीके से जो है वो आते हैं। तो इसमें जो है टोटल मार्क्स 100 होंगे, पास के मार्क्स जो है 50 होंगे, और टेस्ट के इसमें जो है वो पोर्शन ये ज़ाहिर सी बात आपने अगर ऐड देखा तो ये जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड पोस्ट हैं। तो इसमें जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड 50% जो है वो MCQs होंगे, करंट अफेयर 10%, डेली साइंस 10%, कंप्यूटर 10% और उर्दू और इंग्लिश भी इसी तरह जो है वो 10% जो है वो इसमें शामिल होगी। तो इसमें ये है कि ये जो सिलेबस मैंने अभी आपको बताया तो ये टेंटेटिव है, अभी जो ऑफिशियल सिलेबस है HESC ने जो है वो HEC ने अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो ज़राए हैं मुख्तलिफ उनसे मुझे यही चीज़ पता चली है तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सके। तो इसमें जो है वो अभी लास्ट डेट 20 सितंबर है, तो तकरीबन आप एक्सपेक्ट करें कि 1.5 महीने के बाद जो है वो आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें अभी जो है मैं सब्जेक्ट रिलेटेड सैम्पल MCQs जो है वो शेयर करता हूँ। फर्ज़ किया जो है वो मैथ का जो है वो मैथ में आपने अप्लाई किया तो ये वाले जो आपके सामने अभी MCQs शो हो रहे हैं, तो इस तरह के आपको MCQs जो है वो पेपर के अंदर भी जो है वो आएँगे। इसके अलावा जो है वो करंट अफेयर में ये देखें आपके सामने जिस तरह ये ओपन हुआ है, विच 3 कंट्रीज इंटर्ड ए कंट्रैक्ट कॉल अकस ऑन 15 सितंबर 2021, UK, USA और फ्रांस, इसी तरह जो है वो और इसमें MCQs एंड द फर्स्ट इनिशिएटिव अंडर अकस टू सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया इन अक्वायरिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो आती हैं। तो आपने जो है लेटेस्ट करंट अफेयर आपने तैयार करने हैं। तो उसके अलावा जो डेली साइंस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज द डैश इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आइस रोड, साल्ट, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसी तरह और जो ऑक्सीडेशन इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जिस तरह की डेली साइंस होती है आप कह सकते हैं कि जिस तरह 6, 7, 8 के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं तो इस तरह की उसको डेली साइंस भी कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर टेस्ट शामिल है, जिस तरह ये इसमें से 10 MCQs होंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके सामने ये शो हो रहा होगा, अनदर नेम फॉर फ्री सॉफ्टवेयर इज इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, तो इसमें शेयरवेयर है। इसके बाद DPI स्टैंड फॉर डॉट पर रेंज, इस तरह जो कंप्यूटर के सारे 10 MCQs उसके अंदर शामिल होंगे। उसके अलावा उर्दू के सैम्पल MCQs आपके सामने जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू की पहली नसरी तसनीफ कौन सी है, करबला के था, शादुल हकीकत, सबर लताइफ अशरफी, साबराज के मुसन्निफ का नाम क्या है, इसी तरह जो है वो और इसी तरह का ये बेसिकली मैंने सैंपल आपको शो किया। उसके अलावा जो है इंग्लिश के सैंपल MCQs ये हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे द स्टूडेंट इन आवर कॉलेज और डैश इन अदर कॉलेज, स्मार्टर स्मार्टर दैन, इस तरह के जो है वो। इसके अलावा प्रोपोजिशन, ग्रामर, इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसके अंदर जो है वो इंग्लिश पोर्शन के अंदर जो है वो शामिल होंगी। तो इसके बाद जो है वो मैंने आपको वेबसाइट बतानी थी, तो वेबसाइट जो है वो sheer.org/edu आप इस पर जाएंगे, और ये इतनी अच्छी वेबसाइट है कि इससे जो है वो डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज जो है वो MCQs जो है वो कॉपी करती हैं।
तो इसमें इस तरह नहीं है कि फ़र्ज़ किया मैं जो मैथ का हूँ तो मैथ के इतने ज़्यादा एम सी क्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा हर टॉपिक के ऊपर एम सी क्यूज़ मौजूद है कि आप आसानी के साथ जो है वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इस तरह इंग्लिश साइंस मतलब जो भी सब्जेक्ट है आपका, केमिस्ट्री बायो इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जो है वो प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा एम सी क्यूज़ मौजूद है। तो आप जो है वो बजाय इसके बुक से तैयारी करें, आप इधर से भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे, साइड बार में जो है आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का जो है वो पोर्शन नज़र आ जाएंगे, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके रिलेटेड जो है एम सी क्यू सामने आ जाएंगे। तो ये जो थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको टेस्ट पैटर्न, टेस्ट सिलेबस और वेबसाइट के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पर मेरी आपसे एक इल्तिमास, मेरे चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए आने वाले जो अपडेट्स हैं एफटी जॉब्स के वाले से आपको मिल सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको जो है मज़ीद कुछ बुक्स बताऊँगा जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, कुछ सिलेबस की बुक्स बताऊँगा और कुछ है वो और बुक्स बताऊँगा जो स्पेशल टेस्ट के लिए जो है वो पब्लिशर्स ने पब्लिश किए हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसलिए आप जो है वो मेरे साथ ज़रूर इन टच रहिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और साथ ही के साथ लाजमी शेयर करें। जज़ाकअल्लाह और अल्लाह हाफिज़।